स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत है छोटे छोटे, ये मेरी दीदी की छोटी सी लड़की है, अभी कल की छोटी बहन है। देखो कैसे उछल रही है। किस पर बेबी को प्यारी सी छोड़ दे, अभी कागज लाना दे दो बड़ी। अभी तंग मत कर बेबी को, किस कर बेबी को। कैसे जल रही है कि मेरी बेबी को तंग कर रही है। अभी छोड़ बाहू को, अभी बाहू है बाहू, दान दे मत दिन दी। छोड़ दे बाहू को, अभी छोड़ दे बाबू। स्कूल पर आज मैं वो जाती हूँ ना, ऐसे करती हूँ गोल गोल राउंड राउंड स्कूल में। अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। हाँ दे दो, शाम को बनाए थे हमने आलू का पुलाव बनाया था शाम को, और ये चाय। और ये लड़की बोल रही है आगे आऊंगी, इसकी दीदी ने इसको पीछे के, तो कैसे रो रही, देखो कैसे देख रही इसको, अब खुश हो रही। यहाँ के बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारे गांव में मीटिंग हो रही है, हमारे से चूल्हे का टैक्स लिया जा रहा है, जो हम लकड़ियों से जलाते चूल्हा उसका टैक्स लिया जा रहा है 300 रुपए। Few moments later. थोड़ी देर पहले जीजू और दीदी आए हुए हैं घर में, मैं पहली बार इसको दीदी बोल रही हूँ शादी के बाद। और हमारा घर चिड़ियाघर बन चुका है। और खाने में बन रहे हैं आज हमारे चम्मू, जो कि पहाड़ों से लाए हुए हैं हमने। तो आपको कैसा लग रहा है शादी करके? बहुत अच्छा। आप चेहरे से पता लगा सकते हैं कि कैसा लगा है। आपको कैसा लग रहा है जीजा जी? कर रहे हम शाम के डिनर की तैयारी, और टाइम हो रहा है अभी 5:30। जल्दी बना देंगे पर टाइम लगेगा बनाते बनाते, स्टीम करते हुए थोड़े तलने हैं हमने चमेड़ू। चूल्हे पे हमने रखे हुए चम्मू पकाने के लिए, उसके बाद हम इनको कुंडी में पीसेंगे, उसके बाद फिर आटे में मिक्स करेंगे। आटा मैंने निकाल दिया है, इसमें नमक और इष्ट डाला हुआ है, बाकी मसाले हम डालेंगे। और दीदी गई हुई है खेत में भापरी और पुदीना वगैरह लाने के लिए, उसके बाद बनाना हम कर देंगे शुरू। दीदी लेके आ गई है पुदीना और भाभरी। ये पक चुके हैं हमारे चम्मू, जिनका कलर थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो गया है, ये थोड़े पीले पीले पत्ते हो गए हैं। जब ये पीले पत्ते जाते हैं ना तभी स्वादिष्ट बनते हैं, ताजे में उतने टेस्ट नहीं बनते हैं। और यहाँ पर मेरी बहन लगी हुई इनको थोड़ा सा बारीक करने के लिए, उसके बाद मैं पीसूंगी यहाँ पर चटनी। तो उतने में मैं प्याज काट लेती हूँ, फिर करेंगे हम आटे में मिक्स। आटा भी हमने गूंद के रख दिया है और इसमें तेल भी लगा दिया है,
अब इसे हम घंटे भर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए और उसके बाद हम कर देंगे बनाना शुरू। तो उतने में हम खा लेते मैगी और अबका वहाँ बैठ के खा रही है मैगी। तो अभी हम मैगी को करते हैं टेस्ट जो कि दीदी ने बनाई हुई है और गर्मा गर्म है। बहुत टेस्टी बनी हुई है, तड़के वाली बनाई है इसलिए ज्यादा टेस्टी बनी हुई है। अभी हम जीजा और दीदी का रिव्यू लेते हैं कैसी बनी हुई मैगी। कैसी बनी है जीजा जी? शानदार। तेरा टेस्ट खराब हो गया, जान दरगा पानी पी पी के। आटा भी हमारा अच्छे से फूल चुका है और मैंने रख दिया पानी उबलने के लिए और बर्तन में भी मैंने तेल लगा के रख दिया है। दीदी यहाँ पर खाना खा रही है क्योंकि दीदी नहीं खाएगी नहीं तो बेबी रोएगी फिर रात भर। इसलिए अब बनाते हैं जल्दी और टाइम और अभी 7:40। आधे यहाँ पर मैंने तलना कर दिए शुरू और बाकी स्टीम होते रहेंगे यहाँ पर। ओ नो, इसमें पानी का देखो, पीछो 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 पानी। बहुत अच्छे फूल रहे हैं, देख सकते हैं आप फूल के। ये बहुत पतला था और फूल के देखो कितना बड़ा हो गया। ये बन गए हमारे और एक बारी में रह गए और ये बने हुए थोड़े से तले हुए। बाकी दीदी गई है दूध वगैरह लाने, उसके बाद हम कर देंगे खाना शुरू। गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। ये तो खा नहीं रही, इसने बस एक ही पीस खाया वो भी थोड़ा सा, और अभी दाल के साथ खा रही है और जीजू जी खा रही है यहाँ पे, पर घी नहीं खा रहे ये। और इधर बंदर बैठे हुए तो ये आटो बैठा है इधर हमारा। मैं भी खा रही हूँ, बस इतना ही खाऊंगी मैं भी। हाँ गाइज, मैंने चार खा लिए। चार तले हुए, चार स्टीम वाले। हाँ ये ट्रक है, ये अपना नाम बता रही।